नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस अपने YouTube चैनल पर, जहां पर किसान भाइयों हम आप लोगों के लिए हमेशा ज़मीन लेकर आते रहते हैं, सस्ती ज़मीन का वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप लोग भी अपनी ज़मीन सेल कराना चाहते हैं हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से, तो आप लोग भी अपनी ज़मीन को सेल करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ की जो ज़मीन है बहुत ही कम कीमत वाली है। अगर आप लोग इस ज़मीन को लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं कि ज़मीन कहाँ की है और किस रेट में बिकाऊ है। तो किसान भाइयों, यह इसका जो ज़िला है बहराइच ज़िला है, और बहराइच ज़िला में सस्ती ज़मीन बिकाऊ है। और किसान भाइयों, इसका अगर राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसका राज्य है, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप गूगल मास्टर से भी पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसका जो तहसील है, इसका तहसील कैसरगंज है। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप लोग कैसरगंज तहसील में या फिर बहराइच ज़िला में ज़मीन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी न्यूज़ आ चुकी है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको इसी में सारी जानकारी मिल जाने वाली है। और किसान भाइयों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि होने वाली फसल के बारे में, तो किसान भाइयों यहाँ पर कुछ खेतों में तो धान लगाया गया है और कुछ खेतों में सब्जियाँ बोई गई है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुछ कास बहुत हैं। तो किसान भाइयों, आप इससे घबराइए मत, खेत के बगल में ही यह कुछ कास, जो कि यहाँ पर ऊँचा मेड़बंदी किए हैं इसलिए यहाँ पर कुछ कास जामे हैं। और किसान भाइयों, यहाँ पर जो है आपको रोड मिल जाती है बगल में ही, तो आपको रोड के बगल में ही ज़मीन मिल जाती है जो कि बहुत ही कम कीमत वाली है। किसान भाइयों, यहाँ पर जो ज़मीन है यह टोटल 7 बीघा ज़मीन है। जी हाँ किसान भाइयों, ज़्यादा ज़मीन नहीं है, बहुत ही कम ज़मीन है। अगर आप इस ज़मीन को लेना चाहते हैं, जैसे बहुत से लोगों को कमेंट रहता है कि सर मुझे 10 बीघा चाहिए, कोई कहता है मुझे 5 बीघा चाहिए, कोई कहता है 20 बीघा चाहिए, तो किसान भाइयों छोटा टुकड़ा ज़मीन का बिकाऊ है। अगर आप लोग इस ज़मीन को लेना चाहते हैं तो मेरा कहना मानिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इसी में सारी जानकारी मिल जाएगी। आप लोग पूरी तरह से वीडियो देखते नहीं हैं इसलिए आपको ज़मीन नहीं मिल पाती है। फिर आप कमेंट करते हैं कि सर मुझे मोबाइल नंबर दीजिए। तो किसान भाइयों, यहाँ पर सभी प्रकार की फसलें हो जाती है, और किसान भाइयों ज़मीन के मालिक का भी मोबाइल नंबर इसी में आपको मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, इसका जो यहाँ पर बात करें कि 1 बीघे में कितना बिस्वा होता है, तो किसान भाइयों यहाँ पर 1 बीघे में 15 बिस्वा होता है। और किसान भाइयों, 1 बिस्वे में यहाँ पर 1250 स्क्वायर फीट होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग किसी से भी पूछ सकते हैं कि कच्चा बीघा कितने का होता है। तो किसान भाइयों, इनका जो कच्चा बीघा है तो 15 बिस्वे का बीघा 1 बीघा यहाँ पर माना जाता है इनका। और किसान भाइयों, यहाँ पर अगर पानी के साधन की बात करें तो यहाँ पर ज़मीन के मालिक का कोई साधन नहीं है। किसान भाइयों यह दूसरे के और बोरिंग से सिंचाई करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर सिंचाई करने के लिए अपना खुद का समरसेबुल लगवाना चाहते हैं तो आप लोग लगवा सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर जो वाटर लेवल है आपको 118 फीट 120 फीट पर यहाँ पर आपको वाटर लेवल मिल जाता है। और लाइट की व्यवस्था की बात करें तो किसान भाइयों, यहाँ पर आपको 424 वाट वाला 424 वोल्ट वाला यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है, जो कि 18 से 22 घंटे तक बिजली रहती है। जी हाँ किसान भाइयों, 2-4 घंटे के लिए बिजली कटती है, नहीं तो हमेशा यहाँ पर लाइट रहती है। और किसान भाइयों, यहाँ पर हम बात करें ज़मीन के रेट के बारे में, तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम ज़मीन का रेट देना होगा। जी हाँ किसान भाइयों, यहाँ पर 10,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से आपको ज़मीन का रेट देना होगा। और किसान भाइयों, यहाँ पर थोड़ी मिट्टी ऊँची खाली है तो आपको थोड़ा सा बराबर करवाना होगा। और आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको तार का घेराबंदी ज़रूर करवा लेना, क्योंकि यहाँ पर फसलें कुछ जानवर ख़राब कर देते हैं, तो आपको तार का घेराबंदी ज़रूर करवाना होगा। और किसान भाइयों, यहाँ पर ज़मीन के मालिक का मोबाइल नंबर की बात की जाए तो आप लोग ज़मीन के मालिक के पास कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हो। तो ज़मीन के मालिक का मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। ज़मीन के मालिक का मोबाइल नंबर नोट करने से पहले आपको बता दूँ कि ज़मीन के मालिक के पास किस समय फ़ोन करना है। सुबह 7 बजे से किसान भाइयों दोपहर को 12 बजे के बीच में ही ज़मीन के मालिक से आप कॉल करो। रात में प्लीज़ रात में आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़मीन के मालिक के पास रात में कॉल मत करना। तो चलिए, ज़मीन के मालिक का मोबाइल नंबर हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए।
7272007022। जी हाँ किसान भाइयों, फिर से एक बार नोट कर लीजिए, 7272007022। तो आशा करता हूँ कि आपको ज़मीन का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक एक तो करना ही पड़ेगा आपको। जी हाँ किसान भाइयों, आपके लिए जो मेहनत करते हैं उसके लिए मुझे एक लाइक ज़रूर चाहिए। और अगर हमसे कोई जानकारी देने में छूट गई है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ किसान भाइयों, यह जो इसका गांव है किसान भाइयों, भगवानपुर गांव है, और ज़मीन के मालिक का जो नाम है हीरालाल यादव, ज़मीन के मालिक का नाम है, और यह अहिर जाति की ज़मीन है। जी हाँ किसान भाइयों, यादव जाति की ज़मीन है। आप इस ज़मीन को अगर लेना चाहते हो तो ज़मीन को ले सकते हो, यादव जाति की ज़मीन है, जो कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किसान भाइयों, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।